माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी जेल में है। अंसारियों के शहजादे अब्बास अंसारी की बेगम मिलन कांड में तगड़े से फंस चुकी हैं। उनके साथ फंसे हैं कई और लोग जो चित्रकूट जेल में सीक्रेट मुलाकात में मदद करते थे। 3 दिन की पुलिस रिमांड में चल रही निखत बानो जेल के भीतर बंद कमरे के एक एक राज खोल रही हैं। जानकारी के मुताबिक निखत बानो ने सपा के उस नेता का भी राज खोला है जो अब्बास अंसारी और निखत बानो की मुलाकात में मदद करता था, जो लिखता था चित्रकूट जेल में मिलन कांड की कहानी, जिसकी तैयार की स्क्रिप्ट के अंत में फंस गई अब्बास की बेगम। समाजवादी पार्टी के महासचिव फराज खान, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निखत अंसारी को लेकर बड़े खुलासे किए। एसपी वृंदा शुक्ला ने जानकारी देते हुए उन तारीखों का खुलासा भी किया जब निखत अंसारी जेल में अब्बास अंसारी से मिलने जाती थी। वहीं पुलिस इस मामले से जुड़े एक एक सबूत इकट्ठा कर रही है। इस मामले में अभी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जेल में अब्बास अंसारी से मुलाकात के दौरान आपत्तिजनक चीजें ले जाने के आरोप में निखत अंसारी को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें चित्रकूट जेल भेज दिया गया था, जबकि चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी को कासगंज जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में सपा नेता की गिरफ्तारी के बाद सियासत जोर पकड़ सकती है।